हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम वियतनाम देश के हलोंग बे की सैर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस देश के बारे में कुछ जानकारी जुटा। वियतनाम नॉर्थ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया में 13वें स्थान पर आता है। यहाँ का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। हनोई यहाँ का कैपिटल सिटी है, तो होचिमिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल के मामले में ये दुनिया में 65वें स्थान पर आता है। इसके पड़ोसी देश है चाइना, लाओस और कंबोडिया। यहां की करेंसी का नाम डोंग है। अगर भारतीय रुपया से डोंग की तुलना की जाए तो 1 रुपया मतलब लगभग 286 डोंग। यहाँ भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है। रहने के होटल्स, खाना और ड्रिंक लगभग भारतीय रेट के अनुसार वाजिब दाम में है। This is small boat which will be taking us to main. पर्यटन के हिसाब से अगर आपका विदेश घूमने का मन कर रहा हो और बजट की समस्या है तो वियतनाम से अच्छी जगह आपको कहीं और नहीं मिल सकती। कई लुभावनी जगहें, खूबसूरत समुद्र तट, अद्भुत गुफाएं और मजेदार स्ट्रीट फूड के वजह से ये देश घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। भारतीयों के लिए आजकल ये हॉट डेस्टिनेशन या मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, आज हम हलोंग बे की सैर करने वाले हैं। हलोंग बे दुनिया के 7 नैसर्गिक अजूबों में से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका नाम दर्ज हो चुका है। लगभग 1550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले इस जगह की खूबसूरती बेमिसाल है। नीले पानी में लगभग 2000 लाइमस्टोन के टीले या टापू एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। हेलो, नमस्ते। अपस्टेयर, ओके। नमस्ते, नमस्ते। ये
How many boys you have, sir? 25. 25, yeah. Okay. 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 No, this is 25 table. बॉम्बे पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर पानी में तैरते अलीशान क्रूज फाइव स्टार होटल से कम फैसिलिटीज नहीं देते। उसमें आप 3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक के पैकेजेस ले सकते हो। क्रूज पर शानदार भोजन के अलावा तरह तरह के एक्टिविटीज लिए जाते हैं, जैसे कैकिंग, केव विजिट्स इन स्मॉल बोट, स्विमिंग इन बे एरिया, आइलैंड विजिट्स इत्यादि इत्यादि। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम और सेंट्रल वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में कैपिटल सिटी हनोई, हालोंग बे, सापा, निम्बिन इत्यादि प्रमुख स्थान है। साउथ वियतनाम में होयान, होचिमिन, खू इत्यादि प्रमुख ठिकान है। तो सेंट्रल वियतनाम में दानोई, मार्बल माउंटेन, दानांग इत्यादि प्रमुख जगह है। लोंग का वियतनामी भाषा में अर्थ होता है उतरता हुआ ड्रैगन। चलिए हम लोंग बे की दंत कथा जान लेते हैं। किवन दंती के अनुसार प्राचीन काल में जब दुश्मनों ने वियतनाम पर हमला बोल दिया था, तब यहां के सम्राट ने ईश्वर से प्रार्थना कर सहायता मांगी। ईश्वर ने ड्रैगन की एक फैमिली को सहायता के लिए भेज दिया। ड्रैगन के मुंह से निकलती हुई आग की लपेटों ने यहां पर पानी में टापू या टीले बना दिए। दुश्मन के जहाज इन टीलों से टकराकर चूर चूर हुए और इस तरह दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो गई। कहते हैं ड्रैगन ने दुश्मन को हराने के बाद इसी जगह को अपना निवास स्थान बना लिया। मदर ड्रैगन का निवास स्थान हालोंग बे बन गया, तो बेटों का निवास स्थान बचलोंग के नाम से जाना जाता है। दंत कथा के अनुसार यहाँ के निवासी ड्रैगन के वंशज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय।